हैं और एजेंटों की समीक्षा सुने देश विकास कार्य से। रावगढ़ में नगर निकाय के चुनावों में बीजेपी की आशाओं में कुठाराघात हुआ है। यहाँ पर जैसा कि सबको अनुमान था, मुख्यमंत्री क्या विश्वास था कि ये सीट कांग्रेस की झोली में ही जाएगी। हम जैसा कि आपको लगातार बताते रहे हैं कि बीजेपी ये सीट जीतने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है और कर रही थी, परंतु उसकी झोली में मात्र 4 वार्ड ही आए हैं, जबकि कांग्रेस 20 वार्डों पर विजयी हुई है। और इस सीट को कांग्रेस ने अपनी झोली में करने के लिए क्या नहीं किया? मुख्यमंत्री स्वयं आए, बीजेपी के छोटे बड़े नेता सभी आए, जहाँ तक कि नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर आम सभा लेने आए थे। उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि जनमत उनकी तरफ जाए, परंतु रावगढ़ की जनता ने राजा साहब को निराश नहीं किया, उनकी अनुपस्थिति में भी ये सीट कांग्रेस को दी। कांग्रेस की आरती महेंद्र शर्मा 5581 वोटों से विजयी हुई है। कौन से वार्ड से खड़े हुए थे आप? 18। आप कौन से हुए थे? मैं वार्ड नंबर 19 से खड़े हूं। आप कितने वोट से जीते हैं आप? 66। आप? मैं 144। अच्छा, इसकी पहले से आपको उम्मीद थी? जी हैं, जीत की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि बाबा साहब हमारे साथ थे। बाबा साहब आपके साथ थे। और दूसरा, अध्यक्ष पद पे कितने से आगे चल रहे हैं अभी, है जानकारी? 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आखिरी तक आपको उम्मीद है कि जीत अपने पक्ष में? जीत है और बढ़ेगी और हमारी बढ़ेगी। सत्रह वार्ड से अच्छा नहीं पहले से अच्छा।